दरवाज़ा बंद करो जी। हाँ ने इसने मार फार्मूला जल्दी कर रहा, फिर हम लोग जाएँ कॉलेज जाना है हमका। मतलब गाड़ी थोड़ी सी पीछे का, नीचे वाला भी मार दे, सही हो जाएगी, इससे बराबर हो जाएगी। आगे कर या पीछे का थोड़ी सी गाड़ी। तेरे जी ये अपनी खड़ी हुई है बीट वाल, अभी इसको निकाल के लेके चलते हैं। पहले से दो तीन जो काम रह गए थे वो काम करवाएं, बाकी ड्रॉप देख लो तुम्हारे सामने कितनी है, लगे ना तब और क्या हो। बाकी भी निकलते हैं कॉलेज, देखते हैं बॉयज़ का रिएक्शन क्या बनता है। पेपर तो आया पर पता नहीं है पेपर किस तरह का होगा, मुझे भी नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल है सब भाइयों का, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। तो अरे जी तुम्हारा भरा आज लेके जाएगा कॉलेज अपनी गड्डी, ठीक है। टेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस ड्रॉप किया है, ठीक है। जल्दी जल्दी बॉयज़ बोल रहे थे कि यार भाई गाड़ी दिखाओ, मैंने कहा गाड़ी दिखानी है तो गाड़ी कुछ करके दिखानी है, पहले गाड़ी नहीं दिखानी है। अभी बस ड्रॉप शॉप हो गई है, टेंट का कोई इशू नहीं है, टेंट आपका भाई करवा लेगा। बस जल्दी जल्दी स्ट्रेट पाइप करवाया, डाउन करवाई है और कॉइल ओवर सटवाए हैं, बीच में वो सीन ओके हो गया, बाकी चलते हैं कॉलेज। रास्ते में तो कोई सीन खास नहीं होगा क्योंकि गाड़ी मैंने चलानी है, बहुत ज़्यादा जम खड़े हैं यहाँ पे बचानी है। कॉलेज पहुँच के बॉयज़ का रिएक्शन चेक कराऊंगा तुम्हें और बाकी स्टोरी वहाँ भी जाके शोल मेला लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट होती है तो पूरा मल्ला सार बिठा लेती है। हाय हाय, ये रजी से दो तीन खड़े जाम पे, गली तो देख लो तुम्हारे सामने है, बिल्कुल फजूल गली है। मैं बाहर निकल के तुम्हें दिखाऊंगा क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा इशू है, ना कोई साथ है वीडियो बनाने वाला ना कुछ, और इसलिए हम लोग वहाँ नीचे उतर के भाइयों से मिलते हैं फिर। तो रजी थोड़ा भरा बड़ी औखी औखी गड्डी अपनी काट रहे हैं जम्पा, तो पता नहीं वो आवाज आ रही होगी कि नहीं, बट गाड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, कुछ समझ नहीं लग रही। जाम भी तेरे अपने अडियाला में इतने ज़्यादा हैं कि क्या ही बंदा बोले, कुछ नहीं कह सकता भाई। तो ये लेकोर आई, ये रह जी आपके भाई ने डाउन कराई है और भी करवानी है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है मैं जाऊँगा किधर चला के, अब मुझे कुछ समझ नहीं लग रही गाड़ी किधर जाएगी। बट कोई नहीं, आपका भाई करेगा इसको और डाउन करेगा, चक्कर नहीं है इसका खास इतना ज़्यादा। कॉलेज के उतरो आज जाने तो मुझे अपने कॉलेज, तो मैं बताऊंगा सही करके पटाखे कितना छोड़ते हैं। ओए अच्छा बची, बस इतने पटाखे बहुत हैं, ये पेट्रोल सारा पी जाती है भाई लोगों, ठीक है। बाकी तो जाके मिलते हैं आप लोगों से, कोई चक्कर नहीं है। A few minutes later. फिर ये तुम्हारा भाई फाइनली पहुंच गए कॉलेज के बाहर, ठीक है। पीछे पुल का डाला भी है, ओए लगी है बुन फिर ओए। बाकी अभी इधर जगह ढूंढते हैं अपने लिए, सामने कॉलेज है, आगे ट्रक लग गया, कुछ समझ नहीं लगे किधर लेके जाऊंगा, टाइम ही मेरे हो गया पेपर का स्टार्ट है। अभी कुछ जगह वगैरह ढूंढते हैं और उसके पीछे तुम देते हैं अपनी गाड़ी वापसी पर, तो मैं शोल मेला दिखाऊंगा क्योंकि अभी सख्त रोला है। अभी पता नहीं जगह ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, तो यहीं पर तुम्हें मैं पहले अल्लाह हाफिज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर वापस पेपर आके दे के। तो अभी बस निकालते हैं अपनी बीट वेल, खड़ी हुई है, उमर बनाएगा सिनेमैटिक शॉट उसके। बाकी ये फैमिली आपके भाई के साथ है, ये फैमिली तेरी, ये तेरे जी, ये इसके वजह इसके साथ में गया था कॉइल ओवर लगवाने अपनी बीट वेल के शेख बासित के पास, तुम शौर है उसकी आईडी वगैरह है, एयर शेयर लगाता है, ठीक है। लेकिन उसने नहीं हमें किया बताया, और है वहाँ पे सिस्टम, मैं इसके लिए और बोतल लेने के लिए गया हूँ पीछे, उसने इसके साथ कहानी डाल दी, कहानी डाल दी, तुम्हारे बंदे ही ऐसे हैं। बाकी बीट वेल दिखा दो तुम्हें किधर खड़ी हुई है, ये खड़ी है, ये फ्लॉक हुआ हुआ है, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, ये पास खड़ी है बीट वेल, इसको निकालेगा, मैं निकालता हूँ, उमर इसकी वीडियो बनाएगा, ठीक है ना उमर भाई, तू बच्चा लगता है तू बनाएगा डैडी। क्या रे भीख मंगिया, क्या दिख रहा है तेरे जी, इतना खास मजा नहीं आया आपके भाई को कॉलेज जाके रजी, उसकी वजह ये है कि कोई अपना दोस्त संगी सारे निकल गए थे, मलक भी निकल गया था, उमर भी निकल गया, ठीक है।
तो जगह अपनी नहीं थी गाड़ी निकालने की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे ताकि सही सा वो सही सा बनाएंगे, क्योंकि अभी मैं खुद भी थोड़ा मसले में था। एक समझ गाड़ी सारी नीचे लग रही है रे जी, मसला और है बहुत ज़्यादा है। इसको गाड़ी को पहले सेटिंग करा के फिर इंशाल्लाह लेकर आएंगे कॉलेज, ताकि गाड़ी मस्ती ना करे ना तंग करे, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह खैर होगी। आपका भाई आप लेकर आया करेगा कॉलेज, और कॉलेज का लड़का देख रहा है, तो इंशाल्लाह इसको अभी और बहुत सारे काम कराने हैं हम लोगों ने। वो हम लोगों ने भी नहीं कराए, बस कॉइल ओवर पर ही हम लोगों ने ड्रॉप कर दिए। इसे ड्रॉप इसे भी करना नहीं था, लेकिन अभी कर दिए तो चलो कोई नहीं। अभी इसके मैन काम तकरीबन सारे हो गए हैं, बस को भी लेके चलने का घर। आवाज़ तो मैं सुना देता हूँ दोबारा, एक बार रुको। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक है रजी। एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी आपके भाई से, आपके भाई का मोबाइल गुम हो गया था, ठीक है। और मैं जो वो कर रहा था व्लॉगिंग कर रहा था उसमें, तो उसी में रह गया मोबाइल मेरा, गाड़ी में कहीं पे आगे पीछे हो गया। बट वहाँ पे आपके भाई ने सही इंजॉय किया है, भाइयों को गाड़ी भी दिखाई है, माशाल्लाह हमें गाड़ी भी पसंद आई है, ठीक है। वो व्लॉग मैं कम्प्लीट कर लेता बट कोई नहीं, अभी हम लोग फिर दोबारा निकलते हैं अपनी बीट वैल को लेके। इंशाल्लाह इसका करवाते हैं फेंडर के जो वो पीछे अंदर वाले गोले होते हैं ना, वो लग रहे हैं टायर के साथ, वो भी इसको हम लोगों ने कवर करना है आज के काम को। और उसके साथ हम लोगों ने करना है इसके पीछे जो लिप लगानी है ना, जो लिप कह रहे हैं वो दूसरे वाली यार उसका नाम है जहन में नहीं निकल गया, टिप जो है सेंसर के पीछे टिप लगानी है हम लोगों ने। तो अभी बस गाड़ी निकालते हैं, इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी करवानी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आउट हुई है। मुझे सख्त टेंशन है कि कहीं और गाड़ी थूक ना जाए, ठीक है। अभी चलते हैं, इसकी अलाइनमेंट वगैरह करवाते हैं, इसकी टिप लगवाते हैं और वो गोले भी बनवाते हैं। अगर उस्ताद भाई हुए तो ये काम हो जाएंगे, वरना ये वाला भी काम इधर ही रहेगा। तो अभी गाड़ी तुम्हें मैं निकाल के नीचे पहुंच के फिर मिलूंगा, क्या सीन है भाई मुझे कुछ भी नहीं पता। पहले टिप तो वैसे हम लोगों ने लगवानी है, वो लगवाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि क्या साहब होना है आगे या नहीं होना, ठीक है। A few moments later. अच्छा प्यारे भाइयों, को सीन इस तरह का है कि उस्ताद भाई तो फ्री नहीं है, ठीक है। आज का जो प्रोजेक्ट है वो आपका भरा कला करेगा, शहरी भाई भी कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, वो गायब हो गए हैं। चीटिंग करता है तू मेरा जी, लिफ्ट तो बड़ी कराते हैं, बड़ा मेरे साथ काम कराया है, तावन किए भाइयों ने, ठीक है। बाकी भी चलते हैं, इसकी टिप लगवाते हैं, उसके बाद फिर डेंटर के पास जाएंगे आज, इसके किनारियों वाला जेंगो सिस्टम ओके कर देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी सिस्टम ओके हो जाएगा, पहले इसके जाते हैं टिप लगवाते हैं, वो सीन आपको दिखाता हूँ, उसके बाद चलते हैं किनारियों वाले के पास, वो हमें किनारियाँ सेट करके देगा। तो चलो चलते हैं। ठीक है ये पाइप वाले इनसे मैंने बोला है आप पाइप मंगवा लो, मैं इतनी देर में क्या किनारियाँ बना के आ जाऊँ, क्योंकि इनको पाइप में मंगाने में भी अभी आधा घंटा है, तो इसलिए वो लगेगी थोड़ी सी देर, ठीक है जी। अभी हम लोग पहले जाते हैं करवाते हैं अपना जो दूसरा है काम किनारियों वाला, इतनी देर में ये भी पाइप मंगवा लेंगे और अपना किनारियों वाला भी काम हो जाएगा, फिर थोड़ा लंबा चक्कर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं वेट करूँ बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, ठीक है ना। आपके भाई अपनी बीट पर लेके पहुंच गए अपने डेंटल उस्ताद के पास, ठीक है। बाकी भी इनको बोला है, कहते हैं करके देते हैं आपको गाड़ी, पता नहीं इधर ऊपर कैसे चढ़ेगी, जो यहाँ से नीचे लगी थी ये तो ऊपर नहीं चढ़ सकती, मुझे पक्का कंफर्म है, क्योंकि इसका आगे बोर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा नीचे है। तो अभी इसकी किनारियाँ वगैरह बनाते हैं, तो मैं इतनी देर में नमाज़ पढ़ाऊँ, नमाज़ ज़रूरी है, उसके बाद बाकी काम है, ठीक है ना। Thank you.
सवेरे जी आपके भाई नमाज वगैरह पढ़ के आ गए, ठीक है। तो अभी नमाज भी लगे हुए हैं गाड़ी के साथ, उसको कर रहे हैं अभी, इसकी जो अंदर से काम बताया था वो कर रहे हैं। तो दिखाता हूँ तुम लोग को, पहले वाला फेंडर इन्होंने कर दिया है और जो दूसरे वाला फेंडर है पिछले वाला वो कर रहे हैं। तो सिस्टम कुछ हैवी लग रहा है मुझे कि हो जाएगा, गाड़ी का कलर नहीं ख़राब होगा क्योंकि जेन्युइन कंडीशन में सारी गाड़ी है ओरिजिनल पैंट में, तो इसलिए छेड़ने का मकसद नहीं रहता। किनारियाँ पहले अगर कई 70 वाली हम लोग बनाते जिस तरह 82 की बनी होती है तो उस तरह की बन सकती थी, लेकिन उस तरह की आपके भाई ने नहीं बनवाई। तो दिखाता हूँ, खाली मैंने अंदर ही करवाई है, बाकी बहुत ज़्यादा उसमें लंबा चौड़ा काम नहीं किया। फिर जी ये लगे हुए हैं बाज भाई, पहले वाली तो हो गई है फ्रंट वाली, तो दूसरे वाली कर रहे हैं। बच्चे का पैंट ये जो है ना वो प्लग जगह बाहर नहीं आएगा, बाहर बस ठीक हो गया है। हाँ हाथ मारे ना, पूरी कर दी है, हूँ सही है ना। पहले बोला था सदार देखो बनवा लो, लेकिन कोई नहीं किया ने। वो पहले करके ना फिर आराम से आप लगा देना। जी भी दोनों साइड की किनारियाँ बन गई हैं, आगे से भी और पीछे से भी। ये क्या ऊंची की हुआ गाड़ी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सवेरे जी इतनी देर में नमाज भी तो से करते हैं हम लोग, जैसे गड्डी पे टाकी वगैरह मार रहे थे, टाकी भी मारनी पड़ती है आपकी गड्डी पे। ये देख लो गड्डी बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, ठीक है। जैसे बानट से आपके भाई ने मारी है टाकी, शायद से ठोक दी टाकी, ये साइड पूरी रह गई है, ये टाकी मारते इतनी देर में वो भी हो जाएगी। फिर इसके जो हम लोगों ने करवाने थे ना, ये बीच में जो थोड़ा सा गैप है इसका, ये गैप भी फिल करवा लेते हैं आज। ये मुझे देखते नहीं तो मुझे याद आ गई, शुक्र है। बाकी सिस्टम फुल टाइम जेंगो बन गया, यहाँ से गंदी बहुत है, यहाँ से ओके है, ठीक है। ये भी मैं साफ़ करता हूँ तो फिर तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। फिर जी अपना काम जारी है फुल टाइम चौकस, इसका टायर भी किनारी करनी है और अगले टायर की भी किनारी करनी है। बाकी कॉइल ओवर तुम्हें दिखा दूँ, टू वे डाले आपके भाई ने कॉइल ओवर है ले। कंपनी पता नहीं केड़ी है, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन अपना गुजारा हो गया सही वाला। नमाज ज्यादा पढ़ रहे हो इससे जी कलर नहीं खराब होता सही वाला। ये वाला भी हो गया जी, हाथ मारोगे गरम ये नहीं, अगर वो ना खराब करता फिर कुछ सिस्टम चल जाता, कोई नहीं कलम लग जाएगी। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तेरे जी नवाज भाई ने ये भी कर दिया, जो भी कर दिया फुल टाइम जेंगो बना दिया अपनी बाइक की, बीट वाल ठीक है, किनारियां वगैरह बैठ गई हैं, इसका कोई इतना खासा इशू नहीं है, ठीक है। बाकी के सीट नीचे लटक रही है, ये भी वो वाह जी वाह, ये सीट भी इन्होंने काट दी है तकरीबन, ठीक है। ये भी सीधा हो गया एक तरफ का, और इधर कोई नहीं हुआ लेकिन उधर वाला हो गया, ठीक है। बाकी भी यहाँ से जैक से नीचे उतारते हैं तो फिर इसकी शक्ल नज़र आती है क्या बना है क्या नहीं। हमको तो बहुत ही प्यारी लग रही है अभी फिर वक्त गड्डी है अपनी, जी अपना सारा काम हो गया। अपनी लाइन में गाड़ी की आउट है, यहाँ से तुम लोग देखो गाड़ी हल्की फुल्की कैम्बर हुई है बिल्कुल, टायर इसके अंदर गुफा वैसा ही करके, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा टायर बाहर है बिल्कुल, बॉडी से टायर बाहर है, यहाँ पे कैम्बर वगैरह कोई नहीं है, ये टायर है इसका यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो गैप है, इसको कैम्बर शैम्बर करा के बराबर करेंगे। बाकी ये किसी भाई ने तैयार की हुई है, पता नहीं 82 है 85 है, ये मुझे भी नहीं पता।
बस स्ट्रेट पाइप ठोका हुआ है, डाउन वगैरह पीछे से, ये आगे से ऊंची है, लेकिन कोई नहीं, अभी यहाँ से हम लोग इसको उतारते हैं और 150-200 दर्जन है यहाँ से, बस को अभी उतारते हैं ईंट से नीचे, ये ईंट तक खलती हुई है, बस फिर हम लोग निकलते हैं घर की तरफ क्योंकि टिप भी लगवानी है अभी। बस अभी आपका भाई काम वगैरह करवा चुका है, ठीक है, अभी बस निकलते हैं हम लोग घर की तरफ। ये आपके भाई ने कवर उतार दिया है, ये सब ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेयरिंग भी ये पीछे पड़ा है लेकिन वो हम लोगों ने किया ताकि जी आपके भाई की मोबाइल की जो बैटरी है वो भी एंड लगी हुई है, बाकी मैं इसके साथ ज़रा इसका बंदोबस्त कर लूँ, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और तुम लोग कमेंट करके मुझे लाजमी बताना कि हम लोग को जो टिंट्स करवाने हैं वो क्रोम में करवाने चाहिए या ब्लैक में करवाने चाहिए। बाकी लव यू हो गया सबको और स्टे ट्यून, इंशाल्लाह व्लॉग आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही और अल्लाह हाफिज़।